मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के अलमास कॉलोनी के गेट पर ही मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप का आयोजन कौसा ब्लॉक नाजिम बुबेरे शाकिब दाते और मोहम्मद शाकिर मर्जिया पठान की तरफ से किया गया था। खास तौर पर इस कैंप में आँख नाक और डायबिटीज शुगर अन्य तरह की बीमारियों का फ्री चेकअप किया जा रहा था और बड़ी संख्या में यहाँ पर इस कैंप में लोग पहुँचे और इसका फ़ायदा लिया। शानू पठान और मर्जिया पठान ने इस मेडिकल कैंप को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। कौसा ब्लॉक के राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की ओर से नाजिम बुबेरे शाकिब दाते मैशर भाई शाकिर भाई मर्जिया पठान ने कौसा ब्लॉक के अंदर मेडिकल के कैंप रखे। इस परिसर के अंदर युवक की तरफ से सामाजिक और लोगों के फ़ायदा करने के लिए अलग अलग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मैं आवाम के ज़रिए गुजारिश करूंगा कि इस कैंप के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ये सारे कैंप डॉक्टर जितेंद्र रावत जी आनंद पराम से सहित भाई साहब के मार्गदर्शन में किए जा रहे हैं। अगर कोई क्रिटिकल केस आता है उसके लिए क्या सहूलत दी है? आँखों का मुफ्त चेकअप, आई चश्मे फ्री में दिए जा रहे हैं। मोतीबिंद के ऑपरेशन के लिए युवक लोग ने अलग अलग चीफ की योजना की है। आप देख सकते हैं लायन क्लब के साथ मिलकर टाइप करके ये मेडिकल कैंप है जो कौसा ब्लॉक के अंदर आज जो युवक की तरफ से जो हमेशा मांगनी रहती थी कि कौसा ब्लॉक कौसा के अंदर अलग अलग नियोजन के अंदर कार्यक्रम किए जाए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसी कार्यक्रम की आज से शुरुआत कर रही है। ये मेडिकल कैंप हमने रखा है जिसमें आई चेकअप हो रहा है, हियरिंग जिसको प्रॉब्लम है उनको मशीन दी जा रही है और ब्लड प्रेशर चेकअप हो रहा है, डायबिटीज़ चेकअप हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। और यहाँ पर जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान की ओर से हमने ये कैंप रखा है। नाजिम भाई, शाकिब भाई, शाकिर अंकल, मैं, हम लोग सब, हमारी टीम ने मिलकर ये यहाँ पर कैंप आयोजन किया है जिसमें 150 से ऊपर लोगों को चश्मा ऑलरेडी बांट दिए गए हैं और यूरिन की जो मशीन्स है वो भी 30 लोगों को दे दी है ऑलरेडी हम लोगों ने, तो वो और काफ़ी लोगों के ब्लड चेकअप और ये सारी चीज़ें हो गई, तो अपना अपना काम सब लोग अच्छे से कर रहे हैं यहाँ पर।